हेलो गाइस, वेलकम टू माइनक्राफ्ट सीरीज पार्ट 3। तो आज हम पार्ट 3 में बनाने वाले हैं मॉब ग्राइंडर, और हमारे मॉब ग्राइंडर बनाने से हमारे एक्सपी की कमी दूर हो जाने वाली है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो गाइस, मैं भी आप लोगों को देखा, मैंने कितना सारा कोबलस्टोन माइन करके रखा हुआ है। तो मैं आप लोग देखता हूँ मैंने कहाँ से माइन किया हुआ है, फिर आप लोग कमेंट में कीजिए कि मैंने क्रिएटिव में से लिया। तो देखिए गाइस, मैंने कितना सारा माइन किया हुआ है यहाँ पर। तो गाइस, फ्यूचर में शायद हम इसे अपना बेस भी बना लेंगे। तो चलिए, मैं अभी ऊपर चढ़ के कोबलस्टोन ले लेता हूँ। तो अभी मैं चलने से जस्ट मैं से कोबलस्टोन निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ से थोड़ा सा कोबलस्टोन ले लेने वाला हूँ गाइस अभी। तो जल्दी से मैं ले लेता हूँ बहुत सारा कोबलस्टोन। और अभी मैंने कोबलस्टोन ले लिया, अभी मुझे चाहिए थोड़ी सी टॉर्चेस, और टॉर्चेस और भी ये स्मार्ट टॉर्चेस है जिससे हम अपने चोटी से, और जिससे हम इसे अपने ऑफ हैंड में भी ले सकते हैं। मैंने स्मार्ट टॉर्च ऐड किया है जिससे आप लोग अपने ऑफ हैंड में भी टॉर्चेस रख सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा आयरन निकाल लेने वाला हूँ, यहाँ पे रहा आयरन। और मुझे थोड़े से बनाने हैं हॉपर्स और चेस्ट। तो वुड कहाँ गई, वुड बाकी है भाई, अभी मेरे को वुड लेना है। तो हाँ सर, यहाँ रहे वुड और सॉरी भाई, अभी मैं बना रहा हूँ चेस्ट और ये चार चेस्ट, और मैंने बना दिए ये चार हॉपर्स। और भाई वुड की कमी भाई यहाँ पे हो गई, हाँ है भाई। तो अभी मैं बना लेता हूँ प्लैंक्स और बना लेता हूँ और दो चेस्ट। और मैंने यहाँ पे दो चेस्ट ले ली है। तो मैंने अभी बना ली है चेस्ट और हॉपर्स, तो मैं अपने निकाल लेता हूँ। और गैस, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ जहाँ पे मैं अपना मॉब ग्राइंडर बनाने वाला हूँ। तो जल्दी से टॉर्चेस हटा के मैं निकलता हूँ, और मैंने पास में ही बनाने वाला हूँ भाई गाइस। और वाटर बकेट ले लेता हूँ, फूड भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ अपना मॉब ग्राइंडर। तो मॉब ग्राइंडर बनाने से पहले आपको यह देखना है कि आपको आपके नीचे से कोई केव नहीं, तो आपको 7-8 ब्लॉक नीचे डिग करके आपको देख लेना है कि नीचे कोई केव नहीं है। अगर नहीं है तो भाई चलो यहाँ पे केव नहीं है। तो ठंडी से मैं ऊपर निकलता हूँ डॉट, हाँ इसमें ऊपर हम चेस्ट में ले लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना मॉब ग्राइंडर बनाना। तो यहाँ पे दो चेस्ट लगा कर पीछे हमें वापस आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, और हॉपर्स के कोबलस्टोन लेके वापस में ये तीनों साइड दो दो लगा देता हूँ कोबलस्टोन। अभी हम इसे 22 ब्लॉक हाइट पे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 भाई 20 हुआ, 20 नहीं लगता है मेरा, गलती हुई है, मैं फिर से करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। गाइस, मैं 22 कर देते हैं, 22 फिर से मैं नीचे चलता हूँ। तो गाइस, चारों तरफ ऐसा कर देना, और बाद में आपको करना है कि भाई मैं पहले नीचे से आपको दिखा देता हूँ कि ये साइड कॉर्नर बनाने से आपको एक ब्लॉक यहाँ पे छोड़ के चलना है, तो कि आप इसे किलिंग चैम्बर यहीं से बन सके। तो मैं थोड़े से आपको ऊपर मिलता हूँ गाइस। तो गाइस, अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आपको 7 ब्लॉक्स आगे करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो गाइस, अगर लोग चारों तरफ वैसा ही करना है तो मैं आपको मिलता हूँ करके। तो गाइस, ये सब तो मैंने कर दिया चारों तरफ, और अब ये हो जाने के बाद आपको मैं जैसे करना हूँ, एक ब्लॉक ऐसे लगा के ऊपर लगा, नीचे वाला ब्लॉक तोड़ के आपको चारों तरफ एक बॉर्डर जैसी बना देनी है ये। तो गाइस, मैं अभी जल्दी से बॉर्डर बना लेता हूँ, और ये मैं बॉर्डर बना लूँ। तो गाइस, मैं भी आपको बॉर्डर बना के जल्दी मिलता हूँ। तो गाइस, ये बॉर्डर बन जाने के बाद आप लोगों को साइड में ये यहाँ पे कॉर्नर में आना है, लोगों को यहाँ से आगे की तरफ करना है एक। तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे जल्दी से, ये हमें दो साइड प्लेटफॉर्म कनेक्ट करनी है। तो हाँ, तो थोड़ा सा बस एक आगे और एक आगे और,
तो हाँ, तो गाइस अभी हमें यहाँ से सीधे लेना है हमें, और दूसरी तरफ को हमें कनेक्ट करना है, हमें चारों तरफ ऐसा ही करना है और अंदर पूरा का पूरा फिल कर देना है। देखिए ऐसे हमें पूरा का पूरा, एक खुल गया अभी, तो हमें पूरा का पूरा अंदर से ऐसे फिल करना है। तो मैं भी आप लोगों को फिल करने के बाद मिलता हूँ गाइस। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। तो गाइस अभी आप लोगों को क्या करना है, ऐसे कॉर्नर्स पे आना है और यहाँ पे आपको टू ब्लॉक्स हाई करना है, ये एक दो, आपको चारों तरफ ही ऐसा टू ब्लॉक्स हाई कर देना है, जैसे बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोगों को यहाँ पे हाई करना है। मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में ये सब करके मिलता हूँ गाइस। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे कर दिया है और अभी आप लोगों को करना है यहाँ पे एक ब्लॉक रखना है और उसके बाजू में एक ब्लॉक करके पीछे का ब्लॉक आपको तोड़ देना है। और हमें यहाँ पे पूरी की पूरी बॉर्डर बना के चारों तरफ ऐसी बॉर्डर बना दिया और अंदर पूरा का पूरा फिल कर देना है गाइस। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में ये फिल करके मिलता हूँ गाइस। तो गाइस यहाँ पे हमारे से हो गई एक गलती और हमें अंदर डालना था वाटर, तो अभी मैं नीचे से वाटर लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले वाटर ले लेता हूँ, ये एक ब्लॉक ऐसे तोड़ देता, एक ब्लॉक ऐसे मैं सब तोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं वाटर डाल देता हूँ। मुझे शायद इतने उधर से मैं शायद ऊपर आया था, हाँ गाइस यहाँ पे रहा। और अभी मैं ये वाटर लेके यहाँ पे डाल के एक अनलिमिटेड सोर्स बना देता हूँ, पहले मैं नीचे चल जाता हूँ गाइस। तो अभी हमें ये चारों तरफ करना है गाइस, इसे लिया और इसे डाला, फिर से मैंने लिया। आपको यहीं दो पॉइंट नहीं डालने हैं जिससे कि मॉब आगे चले जाए, जैसे पानी में आए तो उत्तर की तरफ चलना चाहता हूँ। इसको यहाँ पे डाला, वापस किया लेने और फिर से मैंने ये डाल दिया गाइस। तो भी मैं वापस से लेता हूँ, आपको सामने की तरफ सेम टू सेम नहीं करना है गाइस, तो जल्दी जल्दी मैं करता हूँ गाइस। और मैं सामने की तरफ चले जाता हूँ, तो गाइस हो चुके हैं, अभी मैं टॉर्चेस यहाँ पे तोड़ देता हूँ गाइस। तो चलो पीछे की टॉर्चेस तोड़ देता हूँ, मैं तोड़ देता हूँ सारी टॉर्चेस। और अभी मैं चलते हैं ऊपर, तो ऊपर जाकर मैं अभी करने वाला हूँ। तो अभी मैं ऊपर ये सब कुछ फिल कर देता हूँ, जितना भी बचा हुआ मैं जल्दी जल्दी से फिल करता हूँ गाइस, मैं जल्दी जल्दी फिल कर दे। फील हो जाने के बाद हमने जो टॉर्चेस हमें लगा देनी है यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि कोई भी मॉब यहाँ पे स्पॉन ना हो सके गाइस। मैंने सारे टॉर्चेस लगा दिए और मैं नीचे की तरफ चलता हूँ, मुझे कोई एमर्जेंसी नहीं करनी है गाइस। और जल्दी से पानी नीचे जाए तो मैं नीचे चलता हूँ, मैं चलता हूँ नीचे गाइस, पानी गया मैं चलता हूँ अभी नीचे और जल्दी चल भी नीचे आ गए। तो भी समय करना के हमें नीचे भी बहुत सारे टॉर्चेस लगा देनी है जिससे कि यहाँ पर कोई मॉब स्पॉन ना हो, सभी के सभी मॉब्स हमारे। तो गाइस मैंने अभी यहाँ पे सारे के सारे टॉर्चेस लगा दिए और देखिए यहाँ पे स्केलेटन स्पॉन भी हो रहे हैं। अगर हम ज़्यादा स्पॉन करेंगे तो हमें हमारी डिफ़िकल्टी हाल रखनी पड़ेगी और क्या नॉर्मल होगी शायद, क्या हुआ भाई थोड़ा चिपक गया था। हमें यहाँ पे करना है हार्ड जिससे कि बहुत सारे स्पॉन हो, यहाँ पे हमें स्केलेटन को मार देता हूँ गाइस। तो हमारा गाँव यहाँ पे मॉब ग्राइंडर बन चुका है गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को पार्ट फोर चाहिए तो कमेंट में जल्दी से टाइप कीजिए पार्ट फोर, और नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।